नजराना। खबरदार, एक कदम भी आगे रखना तो याद रखना। पर खान साहब को जाके क्या बताया? कुछ बताना चाहते हो? जी। हमारी भतीजी को अगर पहला नजराना किसका मिलेगा तो वो होगा हमारे पिताश्री का ही। तबीयत ठीक ना होने के बावजूद आप जाएंगे, वो भी इस मूसलाधार बारिश में। कुछ भी करो, मारो पीटो, नदी के बांध तोड़ो, लेकिन किसी भी कीमत पर शिवाजी और शंभू राजे को मिलने नहीं देना है तुम्हें। पिताश्री, पिताश्री, हमें पता था आप आएंगे, आ गए। पिताश्री, पिताश्री, कितनी देर कर दी आपने, हम कब से इंतजार कर रहे थे आपका। आपने हमें यहाँ श्रृंगारपुर भेजा, उसके बाद तकरीबन 2 साल बाद मिल रहे हैं हम आपसे। हमें बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ बताना है, पर इतनी दूरी सहन करने की ताकत अब हमें नहीं है पिताश्री। पिताश्री, फिर से ऐसा ना करें हमारे साथ। नहीं, हम आगे से ख्याल रखेंगे, ठीक है? ख्याल रखना ही होगा पिताश्री। आप दक्षिण जीत कर आए, पराक्रम दिखा कर आए हैं। स्वराज में आते समय यहाँ से नजदीक आप पन्हाला में रुके, हमें लगा आपका पत्र आएगा, आप हमें मिलने बुलाएंगे, और जिस समय हमें पक्की खबर मिली कि आप पन्हाला पहुँच गए, उस समय से हम बेचैन बैठे हैं। हम निकल रहे थे आपसे मिलने, आपके दर्शन करने के लिए, हमें हमारे भगवान मिलने वाले थे। शंभू बेटा, हम बच्चे की तरह इंतजार कर रहे थे, बार बार आंगन में आकर देख रहे थे, एड़ियां ऊपर करके देख रहे थे कहीं आपके घोड़ों ने उड़ाई हुई धूल हमें दिख रही है या नहीं। स्वागत की सभी तैयारी की थी हमने, मन में सोच रहे थे हमारे पिताश्री आएंगे हमसे मिलने, हमें गले लगाएंगे, फिर आपका खलीता आ गया। मिलने के लिए सामने मत आना, हम दुखी हो गए थे पिताश्री। शंभू बेटा, माफ कीजिए पिताश्री, पर हमें बोलने दीजिए, आपका खलीता पड़ा और पैरों तले जमीन खिसक गई, बहुत बहुत बुरा लगा, पर गुस्सा भी बहुत आया, सोचा घोड़े पर सवार होकर तुरंत पन्हाला पहुंच जाऊं, आपके सामने खड़े होकर आपसे जवाब मांगू, झगड़े करूं आपसे, फिर झगड़ने क्यों नहीं आए। भक्त कभी अपने ईश्वर से झगड़ा करता है क्या पिताश्री? पर पिताश्री, आप सबसे अच्छा बर्ताव करते हैं, पर हमारे साथ क्यों नहीं? सच में हम आने वाले थे आपको मिलने श्रृंगारपुर। पिताश्री, हम उसका ही इंतजार कर रहे थे। श्रृंगारपुर में आने के बाद हमने क्या क्या किया वो सब बताना था आपको, हमने सब कुछ सुना है पिताश्री। आपके बोलने पर ही हम यहाँ श्रृंगारपुर आए, रहे यहाँ। शुरुआत में मन ही नहीं लग रहा था, यहाँ पर कोई काम नहीं, कोई चुनौती नहीं, ऊपर से ना कोई आता जाता था, इसीलिए किसानों के साथ घुल मिल गए। साधारण भोले लोग, आप में भगवान देखने वाले, आपको ईश्वर मानने वाले, लेकिन व्यवहार में एकदम कच्चे। होली, फाल्गुन, शिमगा, ये 3 महीने मानने वाले, गुरुवार बेस्तवार 2 बोलने वाले, रविवार एतवार 2 मानने वाले लोग फंसाए जा रहे हैं, ये हमारे ध्यान में आया, इसलिए हमने माफी दी। पिताश्री, हमसे उनके खाली पेट देखे नहीं गए, इसलिए हमने उनका लगान माफ कर दिया। कुछ बुरा किया क्या हमने पिताश्री? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन पिताश्री, जिन्होंने इन किसान के मुंह से निवाला छीन लिया, उन्होंने हमें तकलीफ दी, उनकी ऐसी हिम्मत। शंभू राजे, उन्होंने हमेशा दिखावा किया, हमेशा। हमने यहाँ श्रृंगारपुर में अखाड़े बनाए, और वो यहाँ के युवाओं को मजबूत बनाने के लिए, माँ बहनों के मन का डर दूर करने के लिए। उसका भी मजाक उड़ाया, बोल रहे थे युवराज मुहिम पर गए थे, अभी छोटे बच्चों के साथ खेल रहे थे, फिर भी हम चुप रहे पिताश्री। आपने खलीता भेजा और हमने अश्वदल खड़ा किया, 4,000 का मजबूत अश्वदल,
देखते देखते एक शक्ति खड़ी हो गई। हम आपको उसके लिए शाबाशी देने वाले हैं। सच में बहुत बड़ा काम किया। पिताश्री, उसकी पूछताछ हुई। स्वराज्य के युवराज से पूछताछ की गई कि अश्वदल क्यों खड़ा किया। रावजी सोमनाथ ने हमारे नजदीक के लोगों को निशाने पर लिया, उनके भी आदेश निकलवाए, पर हम किसी को पता नहीं पाए कि अश्वदल खड़ा करने का आदेश आपने ही दिया था हमें। हमने जो भी जवाब दिए उन्हें वो सारे गैर जिम्मेदार लगे और उन्होंने हमारे खिलाफ रायगढ़ पर तकरार किया। आपके उस बंद दरवाजे के चर्चे की वजह से हमारे विषय बहुत गलतफहमी हुई। वो होने वाले ही थे, हमें उसकी पहले ही कल्पना थी। पिताश्री, आपकी वो चर्चा यशस्वी करने के लिए हमने कलेजे पर पत्थर रखा था। हमारा आपसे झगड़ा हुआ है, हम आपसे खफा हैं। इसका नाटक करते समय हमें बहुत तकलीफ हुई है पिताश्री। आपने कहा वैसी कल्पना की हमने, लेकिन इस सबसे एक बात हो गई पिताश्री। रायगढ़ के महल से लेकर दिलेर खान, शहजादा शाह आलम, औरंगजेब बादशाह तक सबको यकीन हो गया हमारे मन में मुटाव है, बाप बेटे की जम नहीं रही। फिर स्वराज्य पर हमला करने से अच्छा नाराज युवराज को अपनी तरफ कर लो, ऐसी योजना दिलेर खान ने की और उसने हमें पहला खलीता भेजा दोस्ती का। पिताश्री, ये हमारी गमिनी कावा की बड़ी सफलता है, लेकिन शंभू राजे, अपने स्वराज्य के एक भी सैनिक का बलिदान होने नहीं दिया, खून का एक भी बूंद गिरने नहीं दिया। आपने बड़ी चालाकी से दिलेर खान को रोका और दक्षिण में आए बिना दक्षिण की जीत में आप भी भागीदार बन गए पिताश्री। हाँ शंभू राजे, हमने हमेशा शस्त्र से शत्रु को रोका, पर आपने तो सिर्फ शब्दों से ही शत्रु को रोक दिया। पिछले 1.5-2 साल उस दिलेर खान की 15-16 हजार की फौज को रोक कर रखा ये आसान नहीं था। उसके हाथ ना मुल्क लगा ना ही गढ़कोट। वाह शंभू राजे वाह। अब पिछले 1.5-2 साल की फौज का खर्चा दिलेर खान से पूछा जाएगा। पिताश्री, आप भविष्य देख सकते हैं। हमें सिर्फ दिखा, लेकिन आपने वो असल में कर दिखाया। शंभू राजे, ये सब आपकी निपुणता है। बहुत भोगा, बहुत सहन किया, बहुत त्याग किया। हमें पता है हमारे सभी मंत्रियों ने आप पर आरोप लगाए, लेकिन आपने वो सब चुपचाप सहन किए। शंभू बेटा, इतनी सहन शक्ति कहां और कैसे लाते हैं? आपने किसान संप्रदाय को अलग दर्जा प्राप्त करवाया, समाज में उनको एक अलग स्थान प्राप्त करवाया और उसके साथ आप उनके साथ मिलकर रहे भी। वाह, बहुत बड़ा काम किया। अभिषेक भी करवाया हमने, हमें मारने के लिए। मगर ये जहर फैलाने वालों को ये कैसे समझ नहीं आया कि अगर आपको सिंहासन पर ही बिठाना होता तो श्रृंगारपुर से रायगढ़ कितना ही दूर था। आपके पास अश्वदल था, सिंहासन भी खाली था, आप मुगल को भी साथ में ले सकते थे। उसके लिए कलश अभिषेक करने की क्या जरूरत थी? आप जब चाहते तब सिंहासन पर बैठ सकते थे। पर इन लोगों को इतनी साधारण बात समझ नहीं आई कि आप इतनी अवधि में भी रायगढ़ पर आए नहीं। आपका आदेश पिताश्री। शंभू राजे, धन्य है आप। आप अपमान गलतफहमी का जहर बचाते हुए आए। सच में रुद्र हैं आप, शंभू है। ये सह्याद्री आपके उरुणों से कभी मुक्त नहीं होगा। पिताश्री, इन शब्दों के लिए हम बेसब्र थे। आज हमारे कष्टों को सफलता हासिल हुई। बोलिए, आज हमारे कान को संतुष्टि मिलने दीजिए। पिताश्री, इसी बात से हमें एक और बात याद आई। महाभारत के युद्ध की संपत्ति के बाद विजय अर्जुन की रथ
भगवान श्री कृष्ण ने एक जगह रुकवाई और अर्जुन को रथ में से उतरने को कहा। वो आश्चर्यचकित हुए। असल में सारथी को रथ से पहले उतरना था, सारथी को नीचे उतरना चाहिए था, पर श्री कृष्ण ने कहा है इसलिए अर्जुन उतरे। उनके पीछे पीछे श्री कृष्ण भी उतर गए और पल भर में अर्जुन की रथ जल के खाक हो गई। अर्जुन अचंभित हो गए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कौरवों ने और आपके शत्रुओं ने आप पर जिस शस्त्रों से हमले किए थे उस वजह से रथ मूर्छित हो गई थी। अगर आपके पहले हम रथ से उतरे होते तो अर्जुन आपके साथ ये पंच कल्याणी घोड़ों की अनमोल रथ जल के राख हो गई होती। पिताश्री, इसका अर्थ श्री कृष्ण जी की पुण्याई से, उनके आशीर्वाद से अर्जुन जीवित रहे। पिताश्री, उसी प्रकार हम पर भी रोज बदनामी के अस्त्रों की बारिश होती रहती है। केवल आप हैं इसीलिए हम जीवित हैं, नहीं तो जीवन भर की यातना हमारे मार्ग में आएगी। पिताश्री, हमें छोड़कर मत जाइएगा, कभी भी मत छोड़ना, नहीं तो हमारे जीवन की रथ जल कर राख हो जाएगी। चिंता ना कीजिए शंभूराजे, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। पिताश्री, हम पर विश्वास रखिए। और शंभूराजे, आपको अभी लंबी दूरी तय करनी है। बंद दरवाजे में हुई अपनी चर्चा उसे पूरी करने की, मुगली सत्ता को कमजोर करना है, बादशाही निकाल फेंकने है। उसके लिए हमें आगे बहुत मुश्किलों का सामना करना होगा, मन और तन से तैयार रहना होगा। अवसर मिलते ही हम अधिक जानकारी देंगे। जी पिताश्री। शंभूराजे, ये सिर्फ शुरुआत है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, कोई भी अवसर आए, कुछ भी घटना हो, मन में कभी अंधेरा ना होने देना, क्योंकि एक बार मन में अंधेरा हुआ तो फिर बाहर के उजाले का बिल्कुल भी महत्व नहीं रहता। ये हमेशा ध्यान में रखिए। हमारे महान पिताश्री और तो और हमारी महान माता श्री के स्वप्न का स्वराज्य अगर हमें बनाना है तो समय आने पर देह को प्रसाद के तौर पर अर्पण करते समय आगे पीछे मत देखिए। जी पिताश्री। ये कार्य बहुत महान है, इसका अंतिम उद्देश्य सबको समझेगा ऐसा नहीं। शंभूराजे, बाकी लोगों ने हमारे 32 मण सोने का सिंहासन देखा है, इसलिए उनकी महत्वाकांक्षा फन निकल के डंक मारती है। उन पर आप ध्यान मत दीजिए, इसके बजाय नजदीक के गद्दारों के दांत निकाल के रखिए। जी पिताश्री। और शंभूराजे, हम दोनों मिले तो जग ही भूल जाते हैं। अब और कितनी देर यहाँ आंगन में खड़े रहकर बातें करेंगे हम? क्या हमें अंदर नहीं ले जाएंगे आप? शंभू बेटा, नाम क्या रखा है? भवानी। भवानी बाई। भवानी, बढ़िया, एकदम हमारे मन का नाम रखा है। पिताश्री, अंदर चलिए, सबको बहुत खुशी होगी। आइए पिताश्री, सबको बहुत खुशी होगी, आइए। यीशु पिताश्री आ गए। यीशु? युवराज,
महाराज नहीं आए हैं। संदेश वाहक आया है। महाराज नहीं आए, हमारे पिताश्री आए नहीं। जी, खलीता भेजा है महाराज ने। पढ़िए। जी। श्रिया सह विराजित अखंड लक्ष्मी अलंकृत युवराज शंभुराजे प्रति अनेक शुभाशीर्वाद। ऊपरी विशेष वज्र चुड़े मंडित सौभाग्यवती बहुरानी को कन्या रत्न प्राप्त हुआ। हमने नामकरण विधि को आना निश्चित किया था, किंतु मूसलाधार बारिश की वजह से, नदियों पर के टूटे हुए पुल की वजह से और हमें चढ़ा हुआ बुखार, इस कारण हम श्रृंगारपुर में नामकरण विधि के लिए नहीं आ पा रहे हैं। किंतु आप पूरे उत्साह से विधि संपन्न करें। हमारी ओर से नवजात शिशु को, हमारी पोती को आशीर्वाद। सुना युवरागी, पिताश्री नहीं आएंगे। लेकिन आशीर्वाद का खलीता तो आया। आशीर्वाद का खलीता तो आया। सिर्फ खलीता आया, पिताश्री नहीं आए। अगर वो आए होते तो अच्छा हुआ होता, हमारी बेटी को भर के आशीर्वाद मिला होता। लेकिन भैया जी, बारिश देख रहे हैं ना कितनी गिर रही है। वही तो, अब तक तो जमीन पर रहने वाले ही हमारे खिलाफ जा रहे थे, पर अब तो ये आसमान के बादल भी। भैया जी, नदी पर के पुल बह गए हैं। अच्छा हुआ नदी पार के पुल बह गए, पर रिश्तों के पुल तो अभी तक नहीं बहे ना। ये कौड़ियों की माला है, ये हम अब आपके गले में डाल रहे हैं। आज से अपनी जान इन कौड़ियों की तरह मानो। आज आपकी जान जनता के लिए कौड़ियों समान समझो। अभी तक मर्द जैसे खेले, तुमको शाबाश शाबाश। अब अंतिम पड़ाव, और अंतिम पड़ाव होगा कुछ ऐसा।
पिताश्री।